आटों की चौखट जहां आंगन बबूल का मंजिल है खोई खोई सी रास्ता है धूल का धड़कन बिखर जाए ना आंखें ये भर आए ना सांसों में तू भर ले दम ना हौसला हारेंगे हम ना हौसला हारेंगे आपके पास दिन भर कोई काम धंधा तो है नहीं ये तुम तना ना बाद में बजाते रहना अभी कुछ काम धंधा कर लूं मैं इन्हें हमसे क्या मतलब जानती है ये कि मैं देर से सो के उठती हूँ फिर भी रोज इसी समय इतनी जोर जोर से घंटी बजाती है हैं हम गुनाहगार पर बीते हुए कल से तुम्हारा भविष्य बर्बाद तो नहीं कर सकते हम बीते हुए कल की बात करते हैं आप वो कल आज भी हमारे सामने है आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि वो कितना भयानक रहा होगा मर तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन तुम लोगों ने उसे घर से निकाला था ममता में उसकी सांसें फंसी हुई थी पूरी जवानी खपाकर एक प्यारा सा घर बनाता है कोई और फिर एक शाम उसे ये फरमान सुना दिया जाता है कि अगली सुबह उसे उस घर को छोड़कर एक वृद्धाश्रम में रहने के लिए जाना होगा और उसे उसका कसूर बताया जाता है कि वो एक माँ है एक बाप है वो एक बूढ़ा है ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये बूढ़े कदम किस भाव के साथ उस घर को छोड़कर निकलते होंगे शायद एक मजबूरी होगी जिसके तले दबकर वो खामोश हो जाते होंगे एक गुस्सा होगा जो अपनी ही बेबसी के आगे दम तोड़ देता होगा एक प्रतिशोध होगा जो अपनी ही ममता के हाथों जकड़ गया होगा एक शिकायत होगी जिसे सुनने वाला उनके आसपास कोई भी नहीं होगा और शायद एक उम्मीद भी होगी कि मरने से पहले एक बार वो अपने घर वापस लौट सके मैं श्रद्धा इस हौसले की कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनीता देवी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा उन्हें अपने घर को छोड़कर एक वृद्धा आश्रम में अपने घर को ढूंढना पड़ेगा और उनका जीवन कुछ इस तरह से बदल जाएगा देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन तुमसे बढ़कर कौन और हमारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन स्वामी हमसे बढ़कर कौन माँ आपके पास दिन भर कोई काम धंधा तो है नहीं ये तुम तना ना बाद में बजाते हैं अभी कुछ काम धंधा कर लूं मैं रोमल मैं आप लोगों के साथ रहकर बहुत खुश हूं झूठ नहीं कहती इतनी खुशी तो मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने के बाद भी नहीं मिली जब मेरा बेटा मेरे पेट में था और पहली बार उसने लात मारी थी मैं बहुत खुश हुई थी मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं मरूं तो अपने घर में ही मरूं अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरी लाश मेरे घर में भिजवा देना मुझे वो मोक्ष मिल जाएगा जब मैं यहाँ आई थी ना
मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लोगों के साथ मैं कैसे रहूंगी, लेकिन अब मैं इनके साथ अच्छे रहने लगी। हम लोग 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रख के उनको अच्छा आदमी बना सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं सब मिलकर अच्छे हो सकते, क्यों नहीं अच्छे हो सकते, क्यों नहीं अच्छे रह सकते हम लोग? मेरी अपनी और सिर्फ मेरी गलती से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों पे विश्वास किया। मेरी भी एक होती है, उसे बालों में तेल लगाना और छोटे बनवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मेरी बहू वो तो आलू की सब्जी बना ही नहीं सकती है। मैं चाहती थी वो मेरे जीते जी मेरे से सीख जाए, लेकिन अब वो नहीं सीख पाएगी। आप लोगों की नजर में मेरा बेटा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, वो सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा बेटा भी मुझे याद तो करता होगा, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो आखिरी दिन था जब उसकी आंखों में हमने आंसू देखे थे, फिर वो कभी नहीं रोई, शायद पत्थर बन गई हो। इंसान का पत्थर बनना भी इंसानियत की हार है। ये मेरी आज की कमाई। क्यों रोज अपनी पूरे दिन की कमाई क्यों तू आश्रम को दान में देती है? क्यों ऐसा करती है? तेरे लिए रखना चाहिए ना। ऐसा मत कर। बचा के देखा था, अगर काम आए होते तो आज मैं आपके सामने ऐसे नहीं खड़ी होती। जब जिंदगी की पूरी कमाई, अपना जना बेटा, जब वो अपना नहीं हो सका, तो ये कागज के टुकड़े ये मेरी क्या जिंदगी संवारेंगे?
आगे काम आ सकती है ना तुझे ये सब पैसे। बस मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तू तो मेरी है। बस चाहे जीवन अच्छा हो या बुरा, धीरे धीरे उसे जीने की आदत पड़ ही जाती है। जैसे आश्रम के तौर तरीकों को सुनीता जी ने धीरे धीरे स्वीकार कर ही लिया था और उस खामोश चुपते चिढ़ाते जीवन की आदी हो गई थी। राजीव ने भी हवाना बंद कर दिया था। सुनीता जी को भी अब अपने बेटे का इंतजार नहीं था। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ वो थी, उनके चेहरे की झुर्रियां थी, मां होने का एहसास था और मां होने की ही सजा थी। ना अब अपने जीवन से कोई शिकायत थी और ना ही खुद को पहले जैसा बनाने की लालसा। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए और फिर एक दिन, अभी भी बुखार है दीदी आपको, डॉक्टर ने आपको ये जो दवा दी है इसको सुबह शाम 2 बार गर्म पानी के साथ लेना है, ठीक है? और वो जो पीने वाली दवा दी थी ना उसे एक ही बार में पीना है, और दवा खाने के बाद 10 दिन के बाद डॉक्टर ने फिर आपको चेकअप के लिए बुलाया है, ठीक है? ये खाना दवा। अरे अरे हो गया, समझाया हुआ? हुआ? क्या हुआ? पेशेंट तू है और समझा मुझे रही है, ये गोली तुझे दिन में 2 बार लेनी है गर्म पानी के साथ और 10 दिन के बाद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, ठीक है? समझ गई? फिर से बताना, ये दवा गर्म पानी से लूं या ठंडे पानी से लूं? अभी बताया गर्म पानी से, समझी? और 10 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना है चेकअप कराने, समझी कि नहीं? अच्छा, चुपचाप यहाँ लेट जा, चलो लेटो। तुम ठीक तो हो माँ? हाँ बेटा ठीक हूँ, तू कैसा है? काजल कैसी है? मेरे को याद करती है कि भूल गए? कैसे भूल सकती है माँ, अभी मुझसे बोल रही थी कि दादी जब आएंगी ना तो ढेर सारी टॉफी लाएंगी, बिस्किट लाएंगी, पर आप ठीक तो हो ना? अब तुम दोनों झगड़ा तो नहीं करते आपस में? हाँ प्यार से रहते हो ना? माँ तू कैसी है? अच्छा ये बता, तेरा प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? हुँ? और वो शर्मा जी अभी भी कूड़ा फेंकते हैं क्या घर के सामने? ये सुधर गए हैं? माँ माँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रही हो? कैसी हो माँ आप ठीक तो हो ना? कैसी दिखती? ठीक तो हूँ, फर्स्ट क्लास। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। 5 वर्ष की तबीयत कभी ठीक नहीं। ये मेरी माँ, आपकी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। उस दिन तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। 5 वर्ष की तबीयत कभी ठीक नहीं। ये मेरी माँ, आपकी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। आपकी माँ ने एक दिन मेरी माँ को फोन किया और मेरा नंबर लेकर उन्होंने मुझे कॉल करके ये समझाया कि ये मेरी माँ है। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि माँ होती क्या। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि ये मेरी माँ है और उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी माँ की जगह वृद्ध आश्रम में नहीं बल्कि मेरे साथ है।
ऐसा नहीं कि उसके जाने के बाद हमें उसकी याद ना आई हो। कई बार मन किया कि उसे वापस बुला ले, फिर सोचा चलो अच्छा है, कम से कम चार लोग हैं उसकी। यहां तो हम उसे वक्त भी नहीं दे पाते, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब हुआ जब भाई राजीव, तुमने घर बहुत अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सर, थैंक यू, सब आपकी कृपा है। अरे माय डॉल, सर ये मेरी बेटी है काजल। ओके पापा, आप पहले आए थे ना? हाँ बेटा, मैं पहले भी आया था। आप कैसी है? अच्छी हूँ। हाँ तो राजू, मैं कह रहा था कि जिस सर आपके फेवरेट बर्गर लीजिए सर। राजू प्लीज आप। मैं राजू, मैं तुम्हें मिलाना ही भूल गया। ये है मेरे माँ बाप। जानते हो राजू, जीवन में खुशियां ना यूं चारों तरफ बिखरी पड़ी, बस जरूरत है उन्हें समेटने की। अब देखो ना, मैं 22 साल की उम्र का था जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, पर मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि माँ बाप समझकर प्यार करने के लिए और प्यार पाने के लिए इस देश में कई बुजुर्ग हैं, और मैंने फटाफट वृद्ध आश्रम से इन्हें गोद ले लिया। ग्रेट अंकल। थैंक यू बेटा। हाँ राजू, तुम्हारी माँ कहीं नहीं दिख रही? मैं उन्हें ही थैंक्स कहने आया था। उस दिन उनसे मिला तो मुझे लगा कि एक परिवार में माँ बाप की कितनी जरूरत। मेरी दादी वृद्धाश्रम में है। दादी को लेकर आएंगे। खुश हो जाए। जल्दी चलो। चलो चलो भाई, जल्दी चलो बेटा। आज तो दादी को लेकर आएंगे। खुश हो जाए। जल्दी चलो। चलो चलो भाई, जल्दी चलो बेटा। Mom!
माफ कर दीजिए माँ। एक बार माफी मांगने का मौका नहीं दिया माँ। हम गए थे उन्हें मनाने बेटा, लेकिन लेकिन तुम तो बहुत देर हो चुकी थी माँ, हमारा सब कुछ बिगड़ चुका था। अब उसे सहेजने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, मेरी दादी ना हमेशा मेरे साथ, मेरी खुशी बनकर, और आप लोगों की गलती। सुनीता जी की मौत एक सवाल है, समाज के लिए विडंबना है, राजीव और राजीव जैसे हर बेटे के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। सुनीता जी की सांसें भले ही आज रुकी हैं, लेकिन उनकी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्हें घर छोड़ के वृद्धा आश्रम में आकर रहना पड़ा था। हमें इस सच को स्वीकार करना होगा कि बुजुर्गों के रहने से ही घर में रौनक होती है। वो भले ही घर में कुछ करें या ना करें, लेकिन उनका दरवाजे पर बैठा होना हमारे लिए सौभाग्य का संकेत होता है। जरा आप खुद ही सोचिए, उनके बिना दादी माँ के किस्से कहाँ से आते, उनके बिना नानी माँ के घरेलू नुस्खे भला कौन सी किताब में मिलते, पिता का अनुभव और माता का आत्मबल बच्चों में भला कहाँ से आता। इसीलिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आपका जीवन एक नदी की तरह है और उसमें निरंतरता रखना आपका कर्तव्य है, और आपके माता पिता नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जिसके बिना नदी की कल्पना करना ही बेमानी हो। अब मुझे यानी श्रद्धा को इजाजत दीजिए किसी वादे के साथ कि इस दौड़ती भागती दुनिया में आप अपने बूढ़े माँ बाप के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत। हालत बना दी हमारे मेहमान की। अरे आपको देख के सच बताएं तो हमारी आत्मा रो रही इनसाइड तक।